मैंने एक दोस्त से पूछा कि भाई तेरे को पता है पीरियड्स क्या होते हैं? प्रॉब्लम ये थी कि ये जबलपुर से था, ये मेरा दोस्त था और ये मर्द था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वो थी। मैंने बोला कि पीरियड्स पता है? कहता भाई मोटा मोटा पता है। मैंने कहा मोटा मोटा क्या होता है? कहता भाई औरतें इतना खून चूसती हैं कहीं से तो भाएगा। कहते को ये सब कौन बता रहा है? कहता हमारे व्हाट्सएप ग्रुप। मैंने कहा छोड़ो क्या है। कैन यू स्टार्ट क्लैपिंग? यस फॉर मी नाइट ऑफ द इवनिंग स्टार्ट क्लैपिंग बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रही है आपकी लाइफ। औरत हो क्या आप इस देश में खुश हो? हाँ देखो आप लोग जज कर रहे हो मेरे को कि ये कितना सेक्सिस्ट जोक था। मेरे को एक लड़की बोलती यू आर सो सेक्सिस्ट। मैंने कहा मतलब समझाओ। कहती यू आर सो सेक्सिस्ट। मैंने कहा आई एम नॉट सेक्सिस्ट। कहती यू आर सेक्सिस्ट। मैंने कहा आपका ओपिनियन मैटर नहीं करता क्योंकि आप लड़की हो। ताली बजा रहे इसमें, मजाक कर रहा हूं मैं, ये सब चेक कर रहा था। मैं फेमिनिस्ट हूं पूरा। हाँ मेरे को बड़े होके हाउसवाइफ बनना है। हाँ अरे हाँ मेरे को तो हाँ भाई मैं कहती विवेक यू डोंट मीन हाउसवाइफ, यू मीन हाउस हस्बैंड। मैंने कहा हाउस हस्बैंड तो होता ही नहीं है। कल को आप आके बोलोगे कि फीमेल भी कॉमिक्स होती हैं, ऐसा थोड़ा ना होता। मजा आइए देखो, चेक कर रहा था मैं, मजाक कर रहा हूँ आप लोग को। भाई पता है भाई लड़कियाँ बहुत फनी होती हैं। हाँ लड़कियां बहुत फनी होती है। आपने कभी मोटी लड़की को नाचते देखा है? आप बुरा तो नहीं माने ना? अरे 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 आप नहीं, मैम लव यू यार, आपको पता है अपन सेम बोट पे यार। मैं भी आप देखो मैं भी बॉडी शेप, बुरा नहीं मानना यार। उनको जैसे पता नहीं है। आपको पता है ना चांसेस ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और आप दिखते हैं। Love you, आप वेरी गुड स्पोर्ट। उनके लिए एक बार ताली बजाओ। यू वेरी गुड स्पोर्ट है ना, यू वेरी गुड स्पोर्ट। आप बहुत अच्छे हो, आप हंस रहे हो इन सब में, तो आके हमारे लिए नाच दो एक बार। हाँ हम लोग सेक्स करेंगे तो 2.5 मिनट का एपिसोड लगेगा। जोक्स है। लव यू मैम। मैं भाई मैं सिंधी हूँ, हम तो पैदा ही फेमिनिस्ट होते हैं। मेरे को ऐसा लगता है वी डोंट केयर अबाउट स्प्लिटिंग द लेग्स, वी केयर अबाउट स्प्लिटिंग द बिल। बिल का पता नहीं, बिल स्प्लिट कर लो आप लोग, वो बढ़िया लगता है। क्योंकि यार मतलब आई टेल यू वन थिंग, आई लव समटाइम्स गोइंग आउट ऑन डेट्स। एंड मेरी डोमिनेंटली अपब्रिंगिंग मतलब कॉलेज लाइफ मैंने मुंबई में की थी, तो मैं तो अपनी मतलब प्रॉपरली डेट्स पे अपनी पर्सनालिटी लेके जाता हूँ। दिल्ली के लौंडे क्लोरोफॉर्म। ये तू लेके जा रहा क्या? पर समझ रहा तू, समझ रहा है ऐसे ऐसे। अब तू समझ गया ना, अपन में लौंडी लौंडों को समझ पा रहे हैं। और तुम लोग जो ओ करके जज कर रही थी, देखो मैं सिर्फ रेप जोक ही कर सकता हूँ, मैं थोड़ी ना देखो एक बार ये मैं पूरा ही हूँ। आधा नहीं छोटी टांगों से मैं लड़की का पीछा करूंगा, ये छोटी छोटी टांगों से रात को आपको डर लगेगा, मैं आपकी तरफ दौड़ के आ रहा हूँ। किसी को नहीं लगा अरे ये कौन आ रहा है। अच्छा लगा लड़की 3 घंटे चल रही, मैं आधे घंटे से भाग रहा पीछे, वो बीच में डाल क्यूटू प्रेम करोगे नोटी इसने किया, इसके बाप ने किया। मेरे बाप को देखेंगे इल्लो कौन है। मैं तो एकदम एंड आई जनरली फील दैट वुमेन इन दिस कंट्री आर ऑप्रेस्ड ऑन सम लेवल, यू कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट। डोंट यू फील दैट वुमेन आर ऑप्रेस्ड इन दिस कंट्री इज क्लैप। आप क्यों नहीं ताली बजा रहे हो दोस्त? कहता भाई मेरी माँ, मेरी माँ बिकॉज आई टेल यू हाउ आई फील, आई नो दिस। क्योंकि आप अगर यूट्यूब पे सर्च करो ना स्टैंड अप कॉमेडी विमेन, तो लड़कियों से पहले वीडियो मेरा आता है। हाँ हाँ मत हाँ कहते आप वहाँ पर भी जॉब खा
प्यार से एक वुमेन वाला वीडियो डाला था आपने, देखा था? थैंक्स, दैट्स सो स्वीट. मैंने इतना प्यारा उस पर एक थॉट शेयर किया था कि यू नो दैट वुमेन गो थ्रू अ लॉट इन दिस कंट्री बिकॉज ऑफ द हिपोक्रिटिकल सोसाइटी. क्योंकि आपने देखा है कि अपन छोटे शहरों में अरेंज मैरिज में लड़कियों के लिए ऐसा बोलते हैं कि वी वॉन्ट वर्जिन ब्राइड्स, और कहीं ना कहीं हर लड़की के पास एक स्टोरी होती है जहाँ पे कोई उसको अनकंफर्टेबली टच करता है, और वो चीज़ें उनकी कभी कभी फैमिली से रिलेटेड होती हैं, और यही मतलब फैमिली आगे जाके बोलती है कि वी वॉन्ट वर्जिन राइट्स, तो डबल स्टैंडर्ड्स रखते हैं. और तभी मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान के मर्द ही इतने नामर्द हो सकते हैं जो खाली सीट देख के रुमाल डालते हैं और वर्जिन लड़की देख के मंगलसूत्र, है ना. तो मैंने ये वीडियो डाला, मेरे को लगा अब लड़कियाँ दौड़ेंगी मेरे पीछे, कंधे पे उठाएंगी, शेर आ जाओ, ये उठा के ये बंदे के साथ हमको करना है, ये इसको बोलवाओ ना हमारे पास. नीचे कमेंट आता है, भाई ये सब तू सेक्स के लिए बोलता है. मैंने कहा हाँ तो. नीचे कमेंट आता है, हाँ भाई से कर लियो शादी. मैंने उसको रखा अपनी माँ को अपने घर पे. ये देखो ये लौंडे, हाँ ये चूतिए लौंडे हैं. नीचे कमेंट समझ नहीं आते, एक कमेंट था बैड अपब्रिंगिंग, ये मेरे पापा ने किया था. मेरी माँ उसको रिप्लाई कर रही है, सही कह रहे हैं आप. अरे मेरी बहन उसका स्क्रीनशॉट डाल के लिख रही है, इनका खानदान ही चूतिया है. मैंने बोला अपन सेम खानदान में, तुम लोग चूतिए हो क्या? कहती हाँ हम चूतिए. मैंने कहा अरे सब. नीचे कमेंट आ रहे नो सील नो डील. अरे ये लौंडे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिला, इस टाइप के लौंडे अपने देश में. एंड आई जनरली डोंट वॉन्ट दैट इन माई लाइफ बिकॉज आई नो दैट अ फीमेल बॉडी इज वेरी कॉम्प्लेक्स. हाँ, यू कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट. फॉर मैन इट कैन बी सिंपल ऑन सम लेवल. आप ये देखो ना कि फीमेल बॉडी इज सो कॉम्प्लेक्स दैट एवरी फीमेल बॉडी नीड्स टू बी सैटिस्फाइड इन अ डिफरेंट वे. बिकॉज आई रिमेंबर आई यूज टू डू ओल्ड स्टफ ऑन माई न्यू गर्ल फ्रेंड एंड शी यूज टू बी लाइक तुम्हारी तो टेक्निक ही गलत है यार. मैंने कहा यार ये सिलेबस कौन चेंज कर रहा है, मैं जब प्यार से IIT की प्रिपरेशन करके आ रहा हूँ तुम कैट का एग्जाम क्यों दिलवा रही हो. और मेरे को स्कोर करना था अच्छा कैट के एग्जाम में. तो आप बेटर स्कोर कैसे करते हो कि आप पुराने पेपर देखते हो क्वेश्चन पेपर निकाल के और आप देखते हो कि अगले वाले पे कैसे करेंगे. तो पुराने क्वेश्चन पेपर उसके वो रहते हैं और अब वो क्वेश्चन में हमको बिना बोले समझना है कि क्वेश्चन क्या था और फिर उसको अटेम्प्ट करना है. फिर मैंने देखा कि अच्छा भाई एक लिटरेस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, छोटा सा टॉपिक है मेरी तरह, लेकिन इस पर सिर्फ 3 मिनट देने पे पूरे 8 नंबर मिल जाते हैं. ये तो बढ़िया, ये वाला मैं कर लेता हूँ उसमें से 3-4 बार बस, बट मतलब बस OMR फील करना होता है थोड़ा सा और पूरे 8 नंबर मिल जाते हैं. लॉन्डे ऑप्शनल टॉपिक करके चले जाते हैं एनल जैसे, वो तो काम ही नहीं आते है ना. मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई व्हाट डू यू फील अबाउट दिस दैट वी ऑलवेज ट्राई टू ग्लोरीफाई द वर्जिन राइट्स इन आवर सोसाइटी. तो कहता भाई तेरे को बताता हूँ मैं, आ बैठ मेरे साथ. जैसे ही मैं उसके साथ बैठा मैंने एक चीज़ रियलाइज की कि ये जबलपुर से है, ये मेरा दोस्त है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम लड़का है. कहता भाई कभी सेकंड हैंड कार खरीदी है? मैंने कहा भाई सुनने में गलत लग रहा है लेकिन आगे बता. कहता भाई देखना पड़ता ना कितनी चली हुई है पे. कहता भाई देखना पड़ता ना एयरबैग लू. मैं क्या बोल रहा है भाई, पागल आगल हो गया तू, ये सब कैसे सोचता है? कहता हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप. मैंने कहा तू समझ रहे हो हाउ बैड यू आर, यू ट्राइंग टू कंपेयर वुमेन विद कार्स, यू आर ऑब्जेक्टिफाइंग देम, यू आर सेक्सिस्ट. कहता हाँ यार मैंने गलत तो किया. मैंने कहा है ना? कहता हाँ भाई कार से तो हम सही में प्यार करते हैं ना. तेरे को ये सब कौन बता रहा है? कहता मैं तेरे को एक ग्रुप में. I was like, yeah, society is so hypocritical. तू खुद बता कि when men have so much sex in life, they are glorified as studs.
And when women have so much of sex in their life, they are glorified as sluts. Don't you think this is double standards of our society? Yeah. है ना? उसका रिप्लाई बताता हूँ मैं तुम्हें. कहता भाई चाबी वो अच्छी होती है जो हर ताले सारे देखो ये वाले मदर ये लड़वाई जो सारे ताले खोल लेती है. तू भी एडिट उस बुक और ताला वो घटिया होता है जो हर चाबी. मैंने कहा तेरे को ये कौन बता रहा है? ऐसा तो लग रहा तुम भी एडिट उस पे. हाँ, this is so wrong. Because the thing is कि we talk about so many things in the society which we should talk about instead of these things. We never talk about so many things that are wrong in this country. Do you guys know that marital rape in India is not illegal? Don't you think that's the topic we should talk about? Yes. And that is the topic that I talk about. But the problem is कि ये topic जिसके साथ मैं discuss करता हूँ वो लौंडा जबरदस्त है. भाई मैरिटल रेप इन इंडिया इज नॉट इलीगल. कहता भाई मैरिटल रेप क्या होता है? मैंने कहा भाई आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू नो दिस. हो सकता है शादी के बाद पहले रेप होता है तो इट्स कॉल्ड मैरिटल रेप. कहता भाई शादी के बाद रेप कैसे हुआ? मैंने कहा भाई कंसेंट तो हर जगह मैटर करता है ना. डोंट यू थिंक दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट शुड बी प्रायोरिटी? एंड दैट्स व्हाई आई फील इट्स सो लाइक अ बिग प्रॉब्लम इन दिस कंट्री दैट द हार्डेस्ट थिंग दैट अ वुमन हैज टू डू इन अ सेक्सुअल इंटरकोर्स इन दिस कंट्री इज टू गिव कंसेंट. That's how flawed this country is, right? But उसको फर्क नहीं पड़ता. उसने बोला भाई कुछ भी शादी के बाद काउंट नहीं होता है. मैंने कहा क्यों भाई? कहता भाई अपने ही बटुए से पैसे लेने को चोरी थोड़ी ना बोल. तेरे को ये कहाँ से पता चला? ये चूतिए भरे हुए हैं. हर एक घटिया ग्रुप है ऐसा जिसकी बारे में बात नहीं होती है. आप देखो ना द वर्स्ट ऑफ क्राइम दैट आर कमिटेड इन दिस कंट्री आर कमिटेड बाय मेन. The worst form of crime that you'd know would be rape perhaps, right? अब खुद सोचो लड़कियों पे तो रेप लौंडे ही करते हैं, लौंडों पे भी रेप लौंडे ही करते हैं. वो लड़कियां नहीं कर रही कहीं पे, वहां एक कॉल चिकअप आएगा मेरे को समझ. हाँ, क्योंकि लड़की रेप करेगी लौंडे का तो वो फैंटेसी हो जाएगा. खुद सोचो भाई आप गए कि मेरा एक लड़की ने रेप किया, लौंडे बोले कहां पे? और लड़कियां कहां गैंग बैंग करेंगी भाई? 10 लड़कियां इकट्ठा होंगी तो 11वीं की बुराई शुरू कर दी. कि तू पहले ऊपर क्यों जाएगी? मैंने डिसाइड किया ना इसकी गांड मारने. कॉम्पिटिटिव है ना. एंड दैट्स व्हाई आई टॉक अबाउट दीज थिंग्स बिकॉज आई फील दैट ह्यूमर कैन ऐड लॉट ऑफ यू नो डेप्थ इन अ कॉन्वर्सेशन. क्योंकि कितना सीरियस टॉपिक है आप खुद सोचिए, बट यू आर लाफिंग ऑन दिस एंड दैट्स हाउ यू शुड टॉक अबाउट इट स्लोली स्लोली एंड हाउ हिपोक्रिटिकल आवर सोसाइटी इज ऑन सम लेवल. क्योंकि आप खुद सोचो कि दिस दीज आर जस्ट जोक्स, बट जो एक्चुअल में अपन विदाउट नोइंग सोसाइटी जो इन चीज़ों को प्रमोट करती है वो पता भी नहीं है. जैसे जिन लड़कों ने सबसे डिमीनिंग गाने निकाले हैं लड़कियों को लेके, उनको हमने बॉलीवुड की इंडस्ट्री के टॉप पे रखा है. जिन पे मीटू लगता है उनको एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट बिग बॉस पे बुलाते हैं. जो बिग बॉस जीतता है मैं उसके लिरिक्स के तो बारे में बताऊंगा नहीं तुम्हें, ठीक है? दैट्स व्हाट आई एम. और ये नहीं है कि ये सिर्फ लड़के ही कर रहे हैं, कार्डी बी को जानते हो तुम लोग? आप हाँ तो ऐसे बोल रहे हो, हाँ मैंने रील बनाया था उसके गाने पे, हाँ बेट एस ये गर्ल्स आर प्रमोटिंग इट विदाउट नोइंग दैट दे आर प्रमोटिंग इट एंड दैट्स हाउ सैड इट इज. एंड यू रियलाइज दैट वी ऑलवेज ब्लेम द रेप विक्टिम. And not the rapist mentality in this. We don't try to blame the education that was given to the rapist. Well, we always try to blame the rape victim. When something is done physically, the society fucks the girl emotionally as well. देखा आपने society judge करती है कि उसने छोटे कपड़े पहने थे. आप खुद सोचो कि अगर आपके बच्चे को गोली लग जाए और society आके बोले bullet proof jacket नहीं पहना था क्या उसने इस बार? छोटा बुलेट प्रूफ पहना होगा उसने, रिवीलिंग बुलेट प्रूफ जैकेट था. ही वॉज इनवाइटिंग द गोलीज इन साइड स्टमक, ही वॉज आस्किंग फॉर इट. मारो एक बार
चाहिए। ये कोई तरीका होता है इस चीज पर बात करने का, है ना? एंड जनरली देयर सो, एंड इट्स नॉट अबाउट द स्मॉलेस्ट स्टेशन, देयर सो मेनी अदर केसेस इन दिस कंट्री एज वेल। 75% ऑफ वुमेन इन दिस कंट्री हैव गॉन थ्रू सम डोमेस्टिक वायलेंस। क्योंकि बाकी देशों में ऐसा होता है कि पूरी दुनिया से आपको आपका हस्बैंड बचाएगा, इंडिया में ऐसा होता है कि आपके हस्बैंड से आपको कौन बचाएगा? That's how sad it is, and I'm not trying to laugh about it. I realize that we always try to, even जो अपने को वक्त के हिसाब से कोई सिखाई हुई चीज़ गलत हो सकती है, लेकिन सीख गलत नहीं होती है, है ना? जैसे आप देखो, जब पुराने टाइम पे when a woman used to go through periods, तो उसकी बॉडी अगर वीक होती थी तो उसको फिजिकल एक्टिविटी रिस्ट्रेन करने का अपन ट्राई करते थे, है ना? कि आप ज़्यादा काम मत करो, मे बी आप घर का काम, किचन वगैरह पे मत जाओ, दैट्स बेटर। आप टेम्पल्स हाई ऑल्टीट्यूड पे होते थे, तभी टेम्पल्स पे जाना प्रेफरेबल नहीं था, क्योंकि सैनिटरी पैड्स और ऐसे अपने पास सैनिटाइजेशन की चीज़ें नहीं थी, और दैट पॉइंट द बॉडी वॉज वीक। एंड प्योरिटी इम्प्योरिटी की तो बात ही नहीं है, क्योंकि आप देखिए केरला में फर्स्ट पीरियड को, या साउथ में फर्स्ट पीरियड को, दैट्स वे, तो उनका केरला का लिटरेसी रेट अपन से ज़्यादा है। जनरली, और हम कौन होते हैं औरतों को पूजा करने से रोकने वाले? इनफैक्ट आपने देखा, हमको तो सिखाया भी जाता है कि औरतों को हमसे आगे रखें और उनकी पूजा करना सिखाया जाता है। आप देखिए, राम जी से पहले भी सीता जी का नाम आता है, कृष्ण जी से पहले भी राधा जी का नाम आता है, नारायण जी से पहले भी लक्ष्मी जी का नाम, हर बार राधा कृष्ण सीताराम और लक्ष्मी नारायण आता है, नॉट द अदर वे अराउंड। एंड दैट्स ऑल, या थैंक यू, जस्ट एंड दैट्स वाई दिस शो इज कॉल्ड गॉड इज अ वुमन। या क्योंकि आप खुद देखो ना, क्योंकि आप खुद देखो ना कि ये पूरी दुनिया ऊपर वाले ने बनाई, राइट? यू वुड अग्री दैट ये पूरी दुनिया ऊपर वाले ने बनाई, और इस दुनिया में सबको किसने बनाया? औरतों ने बनाया, और हमने उनको ही बनने नहीं दिया। I am not denying that men don't go through life with their problems. हर एक सेट में अपने अपने problems हैं, and I wouldn't deny that. Women go through periods, but men go through even worse. Women on there. तो मैं तो चाहूँगा ना कि यार ये लड़कियों के periods ना आए। मैं कुछ ऐसा कर दूँ कि आपके periods तो यहाँ पे आप लोग लाइन बना सकते। मैं जब ऐसी बातें करता हूँ तो मेरे दोस्त बोलते हैं कि भाई ये सब तू इसलिए बोलता है क्योंकि तेरे को सेक्स चाहिए। हाँ, तो मैं अपने दोस्तों को बताया, अंदर जो कॉमेडियन थे ना बाकी, कहते भाई तू इतने घटिया जोक्स कैसे लिख सकता है। मैंने अपना फोन चालू कर, उसने फोन चालू किया, मैंने कहा एक व्हाट्सएप इसमें तेरे को ऐड करता हूँ, उसमें आ जा, मजा आ जाएगा तेरे को। बट डूज थैंक्स लॉट, एक बार अपने ताली बजा दूँ। द पॉइंट ऑफ द शो इज वेरी सिंपल, दैट वी नीड टू रियलाइज दैट समटाइम्स वुमेन गो थ्रू लॉट इन दिस कंट्री एंड वी डोंट इवन नो अबाउट दिस। आपको पता है हम हर साल 5.5 लाख लड़कियों को इसलिए मार देते हैं क्योंकि वो लड़कियाँ हैं। 1 out of every 3 women go through domestic violence in this country. हर साल इंडिया में 35,000 rape cases register होते हैं. And you would know that I am talking about the registered ones. Yes. Just imagine the amount of unregistered ones. The point being कि आप लोग जब यहाँ पे इतनी देर एक घंटे से भी सुन रहे थे ये सब और हंस रहे थे without realizing that कहीं ना कहीं इस देश में 3 or 4 और registered हुए cases. And that's just something that we cannot question sometimes. और आप लोगों को लगता होगा कि लड़कियाँ जब रात को घर से बाहर जाती है तो वो अनसेफ हैं। It's never like that. जब किसी और शहर जाती है तो अनसेफ है। It's never like that. If you'd go and take like just see at the records, 90% लड़कियों के साथ गलत चीज़ें उनके साथ होती हैं, मतलब उनसे रिलेटेड होती है जो उनके फैमिली मेम्बर्स या एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स या नेबर्स रिलेटेड हो। And that's why during this Navratri period, I would like to just share one small कविता। एक कविता से एंड करते हैं, उसमें आप लोग साथ देना मेरा। तो आया नवरात्रि का त्यौहार, फिर सजा अंबे का दरबार, देख बिलकती बेटियां, एक नैन से निर्भय, दूजे से अंगार, कर्ण स्वर करती पुकार, आई एक बेटी माँ के द्वार, बोली मत भेजो मुझे धरा पर, कर दो मुझ पे ये उपकार, दंश गित का सहूं मैं कैसे, दानव जग में रहूं मैं कैसे, बर्बरता की कथा शब्दों में, बोलो माँ कहूं मैं कैसे।
या तुम रहो अब मम सा नमस्तस्य 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 नमो नमः. तो आप समझे कि माँ से बेटी बोलना चाहती है कि मैं इस दुनिया में नहीं जाना चाहती, क्योंकि जिस टाइप के खराब लोग हैं इस दुनिया में. तो उसको शक्ति देते हुए माँ बस यही बोलती हैं कि चूड़ियाँ उतार कर शक्ति का आह्वान कर, अंतस में झाक अपने स्वयं की पहचान कर, मदद को पुकार नहीं शक्ति रूप धार तू, सभी दानवों का स्वयं कर संहार तू, धड़ से अब कर अलग वैश्यों के भाल को, दुर्योधन के रक्त से धरा अब लाल हो, जो तुझे मान दे उसे नई नीर दे, जो तुझे मान दे उसे नई नीर दे, जो तुझे पीर दे तू अंग उसके चीर दे, असुरों का नाश कर अपने प्रखर ओज से, वासुदा भी मुक्त हो पापियों के बोझ से, वासुदा भी मुक्त हो. थैंक गाइस यू फॉर लवली ऑडियंस, जस्ट क्लैप फॉर ऑल द ओपनिंग एक्ट्स ऑन टाइम.